हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षता कुमार है। मैं जो आपको मेरे चैप्टर का नाम है जैसे को तैसा। मैं जो आपको पिक्चर फॉर्म से हम जो पिक्चर फॉर्म से पढ़ते हैं इससे हमें हमारे माइंड में प्रोसेसिंग होने लगती है और फिर हमें आंसर्स रटने नहीं पड़ते और याद नहीं करने पड़ते। हमें क्वेश्चन बनाते टाइम ही आंसर्स याद हो जाते हैं। और जैसे जैसे हरिदास कौन है, हरिदास को कितने सेर चावल मिले, सुनंदा कौन है, ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ये मेरे हिंदी का थर्ड वीडियो है। मैं जब तीन चार और वीडियो बनाने के बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगी। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST, ग्रामर, सारे सब्जेक्ट्स मैं सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो बना के दूंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। मेरे चैनल टॉपिक का नाम है जैसे को तैसा। मेरा टॉपिक क्लास 4 का है। मैंने मेरे टॉपिक में 4 कैरेक्टर्स लिए हैं। सुनंदा जो उज्जैन नगर के गांव की एक औरत है, एक हरिदास है जो एक भिखारी है, एक ब्राह्मण है जो एक भिखारी है जो अपने भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता है, और एक दुकानदार है और एक घोड़े वाला है। अब मैं आपको मेरा चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। ये हरिदास है जो भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता है। एक दिन उस हरिदास को एक से चावल मिलते हैं। हरिदास बहुत खुश होता है, लेकिन मौसम खराब होने के वजह से वो अपने चावल नहीं पका पाता है। इसलिए उसे एक गांव की औरत के पास जाता है वो, और जिसका नाम होता है सुनंदा। वो उस गांव की औरत से कहता है कि मुझे मेरे चावल पका कर दे दो, लेकिन सुनंदा कहती है कि मेरे पास चावल पकाने के लिए हांडी नहीं है। फिर हरिदास अपनी हांडी सुनंदा को दे देता है और कहता है इसमें बना कर लाओ। फिर सुनंदा उसके हरिदास के चावल बनाकर हरिदास के सामने रख देती है और कहती है आप फिर चावल ले लीजिए। फिर हरिदास कहता है कि ये मटका तो मुझे बता रहा है कि तुमने इसके अंदर से एक पाव चावल निकाल लिए हैं। फिर सुनंदा कहती है अच्छा आपकी हांडी बात भी करती है, क्या आप ये हांडी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, मुझे ये हांडी चाहिए ताकि मैं अपना समय इससे बात करके अपना समय काट सकूं। फिर हरिदास कहता है नहीं ये हांडी मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर सुनंदा कर लगती है और कहती है ठीक है तुम मुझसे जितने पैसे मांगना है उतने पैसे ले सकते हो। फिर हरिदास कहता है ठीक है ये हांडी 2000 रुपये की है, मुझे 2000 रुपये चाहिए। फिर सुनंदा 2000 रुपये फिर सुनंदा 2000 रुपये हरिदास को दे देती है। फिर हरिदास आगे सुनंदा के दिए हुए 2000 रुपये लेकर आगे बढ़ता है। हरिदास के पीछे पीछे एक कुत्ता आने लगता है। हरिदास उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाता है, लेकिन फिर वो कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता है। हरिदास का पीछा नहीं छोड़ता है वो कुत्ता। फिर हरिदास उस कुत्ते को पा लेता है। फिर एक घोड़े वाले के पास पहुंचता है। फिर वो कहता है घोड़े वाले भैया तुम्हारा घोड़ा मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घोड़े को कितनी सारी घास खिलानी पड़ती होगी, उसकी कितनी सेवा करनी पड़ती होगी, लेकिन मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है। मेरा कुत्ता कहीं से भी कुछ भी खा के आ जाता है और शाम को घर आ जाता है। फिर घोड़े वाला भी अपना घोड़ा हरिदास को दे देता है और हरिदास अपना कुत्ता घोड़े वाले को दे देता है। उसके बाद हरिदास एक दुकानदार के पास पहुँचता है, दुकानदार की दुकान के पास पहुँचता है और दुकानदार से सारी चीज़ें मांग कर खा लेता है। फिर हरिदास वहाँ से जाने लगता है। दुकानदार कहता है कि अरे भाई रुको तो मुझे मेरे पैसे तो दे के जाओ,
फिर हरिदास कहता है पैसे किस बात के। फिर दुकानदार कहता है कि आप पैसे क्यों ही दे रहे हो। फिर हरिदास कहता है कि तुम्हारी चीज़ चखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर ना दुकानदार फिर सब लोग अपनी बात गांव के मुखिया जी को बताते हैं। फिर गांव के मुखिया जी हरिदास को वहां बुलाते हैं और फिर पहले सुनंदा से कहते हैं कि सुनंदा क्या तुमने किसी हांडी को बात करते देखा है। फिर गांव के मुखिया जी घोड़े वाले से कहते हैं कि क्या क्या तुमने अपना घोड़ा देने से पहले सोचा था कि अगर मैं अपना घोड़ा किसी को दे दूंगा तो फिर और उसकी उसकी फालतू चीज़ ले लूँगा तो फिर क्या होगा। फिर गांव के मुखिया जी दुकानदार से बोलते हैं कि हाँ तुम्हें पता है कि कोई चीज़ चखने के बाद क्या किसी का पेट खराब होता है। बस मेरा चैप्टर इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।